गाजा में इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल और हिजबुल्ला दोनों की तरफ से लगातार हमले जारी है, जो 2006 में एक महीने तक चले संघर्ष के बाद इन दोनों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है। लेबनान का ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला गाजा में हमास के समर्थन में बार बार इसराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली सेना हिजबुल्ला पर पूर्ण हमला करने की बजाय उसके हमलों का सधे हुए अंदाज में जवाब दे रही है। लेकिन इजरायली सेना की ये हमले बेहद ही भीषण है। IDF के इन हमलों ने लेबनान के भीतर हिजबुल्ला और हमास के कई कमांडरों को मार गिराया है, लेकिन इसके बावजूद भी हिजबुल्ला झुकने को तैयार नहीं है। अब हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला किया। यह हमला गोलन हाइट्स में 26 मार्च 2024 को शाम करीब 4:20 पर हुआ। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यार्डन बैरक्स पर हमला किया है, जो सीरियन गोलन हाइट्स में स्थित है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने यहां पर इजरायली सेना के कमांड सेंटर पर 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसके कब्जे वाले गैलीली में इसराइल के कई सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। साथ ही मैरॉन एयरबेस और पैरेंट बैरक्स पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट बरसाए हैं। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने एविम सैटेलाइट से एक इमारत पर रॉकेट दागा है, जिसका इस्तेमाल इजरायली सैनिक कर रहे थे। आपको बता दें कि इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि 24 मार्च 2024 को भी हिजबुल्ला के सीरियन गोलन हाइट्स में केला बैरक पर दर्जनों रॉकेट दागे थे। हिजबुल्ला के इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने भी लेबनान पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इसराइल ने कहा था कि उसने पूर्वी लेबनान के बालबेक जिले में जाबोत कस्बे पर एक एयर स्ट्राइक की थी। IDF ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में हिजबुल्ला की कई बिल्डिंगों और ड्रोन पैड्स को तबाह कर दिया। इसके अलावा 26 मार्च को इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों और कस्बों पर गोले दागे थे। ये हमला कफार किला और किया इलाके में हुए थे, जिसके जवाब में अब हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी है।